girls with their nails done now. और मेरे भाई लोगों, तो क्या हालचाल है यार। मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और ये जितनी भी आपने फाइट्स देखी है, ये सारी की सारी इसी गेम प्ले की होने वाली है और बहुत ही इंटेंस मोमेंट होने वाले हैं वहाँ पे। तो देखना कि वहाँ पे हम लोग कैसे बच के निकलते हैं और क्या क्या मैं ट्रिक्स का इस्तेमाल करता हूँ जिससे हम लोग बचते हैं। और इतने सारे किल्स होंगे ना कि भाई साहब कोई जवाब नहीं। तो फिलहाल बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। तो यहाँ पर उतरते ही डीपी और मिल जाती है और आगे से मेंट्री में से कुछ बंदों का साउंड आ रहा था, तो जाते हैं जल्दी से पकड़ते हैं उनको। मारा के दो बंदा है और यहाँ पर थोड़ा सा डीपी का स्प्रे देता हूँ, हल्का सा डैमेज होकर बंदा अंदर की ओर चला जाता है। और तब तक मेरा बंदा एक टीम मेट को उसके नॉक कर देता है और यहाँ पर जंप एंड शूट के साथ में ये ख़त्म। तो इन दोनों को मार के लूटते हैं जल्दी से। और यहाँ पर एक बोट आता है, इसको मारता है, तो ये भी ख़त्म। और फिर मेरे को राइट साइड से आवाज़ आती है कि भाई यहाँ पे कोई बंदा है, लेकिन ये बंदा नहीं है। तो अपने पूर्व देते हैं तो इनको भी मारते हैं और जल्दी से लूट के आगे चलते हैं सी बिल्डिंग की तरफ। और इससे तो भाई साहब M762 मिल जाती है। आपको पता है भाई कि कितनी तबाही गन है, तो मज़ा आने वाला है। और अब यहाँ पर सी बिल्डिंग के पास में थर्ड में बंदा है, सेकंड में बंदा है, तो मैं यहाँ पे आगे क्लोजिंग लेता हूँ। और तब तक मेरा टीम मेट यहाँ पर थर्ड बिल्डिंग की छत के ऊपर एक बंदे को नॉक कर देता है। तो वहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ कि भाई कोई रिवाइव देने के लिए आए तो वो भी उसके अंदर आ जाए, लेकिन वो बंदा तो फिनिश हो जाता है। तो हम लोग अब घुसते हैं मिडिल बिल्डिंग के अंदर जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे बंदे कुछ आगे फायर वायर कर रहे हैं, तो इनको देखते हैं जाके जल्दी से। और अब यहाँ पर मैं ग्रेनेड को कुक करता हूँ और ये इस बंदे को देखो भाई, ये क्या ही कर रहा है भाई। और मेरा बंदा नीचे की तरफ से घुस रहा है तो ये उधर जाके बैठ गया। अब इसको देखो, ये देखो भाई, इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि भाई वो क्या रहा है। और ये यहाँ पर ये बंदे भी ख़त्म। अब सी बिल्डिंग में लगभग हमने अच्छे खासे बंदों को मतलब मारा है। और आगे जाते हैं रोड साइड सी बिल्डिंग, बूस्टर है, देखते हैं कि भाई वहाँ पे कोई है नहीं है, जल्दी से जाके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लूट मेरे फ्रेंड को देता हूँ और देख रहे हैं कि भाई है या नहीं है बंदे, लेकिन यहाँ पर तो हमको कोई मिलता नहीं है। तो जल्दी से आगे ऑफिस की साइड में जाते हैं, वहाँ पे बंदों को देखते हैं। और यहाँ पे हम बंदों को देखते देखते आगे ही आ ही रहे थे, तो कोई दिखा नहीं, तो एकदम से यहाँ पे आ गए पीछे। और अब देखो भाई क्या ही होता है भाई साहब, ख़तरनाक सीन। इसको मारा, पूरा फिनिश हुआ, ये कैंप करके बैठा था इधर। और अब देखना भाई साहब, मतलब आगे वाले बंदों को तो भाई क्या ही मारते हैं, मतलब मज़ा ही आ जाएगा भाई। तो कभी भी गाइस देखो, अगर आप आगे जा रहे हो तो हमेशा स्काउट करो। ये एक बंदे को मैंने नॉक किया, स्विच करने के चक्कर में वो कवर में जा चुका है, लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो, इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। मेरा टीममेट अंदर की तरफ से जा रहा है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो इसको भी देखते हैं जल्दी। रुक जा, रुक जा। और यहाँ पे नेड फेंकते हैं, लेकिन यार इसका तो कोई फ़ायदा होता नहीं। और मैं बाहर से जाता हूँ, तब तक मेरा टीममेट इन दोनों को फिनिश कर देता है। और अब यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा कैंपर देखने को मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा भाई उनको कैसे आप मार सकते हो। तो अभी देखो मैं इस घर के अंदर जा रहा हूँ और आगे एक जो कि एक छोटी सी, ये जो वोले रहती है ये छोटी छोटी सी, इनके पीछे भाई लेटा हुआ था वो बंदा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक बूस्टर मार के, बूस्टर गाइज हमेशा मारा करो जब फाइट हो रही होगी ना, तो
टॉर्च ये बहुत काम आएगा, तो मैं जल्दी से दूर से लगा देता हूँ और स्मोक कर देता हूँ आगे, ताकि उसका विजन ब्लॉक हो जाए और मैं उसकी तरफ जा सकूँ। और अब मैं आगे की तरफ ही जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई बंदा कहाँ पे है। अब देखो भाई ये बंदा मेरे को हल्का सा दिखता है, मैं आता हूँ कवर में। और ये देखो भाई, चलो भाई साहब क्या ही खतरनाक कैंपर था भाई। तो अब इसी किल के साथ में मिलिट्री बेस होती है क्लियर, तो हक के साथ बोलेंगे फाइनली मिलिट्री बेस के ऊपर झंडा गाड़ दिया है। और अब यहाँ पर हम गाड़ी लेके मिल्टा की तरफ आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे किसी ने फ्लेयर चलाई थी, तो भाई फ्लेयर चलाए और हम ना जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फटाफट से इन बंदों पर भी जाते हैं और रश मारते हैं जल्दी से, और मैं गाड़ी को इधर ही थोड़ा पीछे की तरफ ही रोक देता हूँ, ताकि उनको ये पता नहीं चले कि भाई हम आ गए हैं, क्योंकि गाड़ी का साउंड 20 से 30 मीटर दूर तक जाता है। इसलिए गाइज हमेशा भी कभी रश करो किसी बंदे पे तो भाई पूरा एकदम ध्यान से थोड़ी गाड़ी पीछे ही लगा दिया करो, जहाँ पे कवर हो वहाँ पे लगाया करो, इससे भाई आपको भी फ़ायदा मिले। और अब मैं यहाँ पे आगे जा रहा हूँ बंदों पे, और ये भाई पूरे के पूरे चार बंदे, और तुम्हारा भाई जो क्लच करेगा ना अब बोलेगा नहीं, आप देखो क्या ही क्लच करता है भाई। और ये भाई साहब बंदों क्या ही चीज करता है भाई, बहुत ही तगड़ा डैमेज देता है। और अभी मेरा टीममेट भी मेरे पास में नहीं था, अगर उसके बाकी के दो बंदे मेरे ऊपर आते ना तो भाई कोई चांस नहीं था, मेरा कोई भी चांस नहीं था। और वो एक बंदा तो देखो वो ड्रॉप के पीछे बैठा था, और अब देखो क्या ही मारते हैं भाई इन दोनों को। पीछूं भी एक थोड़ा सा डैमेज दिया, के साथ में ये क्लच हो गया है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला, और आगे तो भाई इससे भी बहुत तगड़ा क्लच दिखाऊंगा। और अब हम मिल्टा से निकल के जा ही रहे थे, तब पीछे से भाई कोई गोलियां चला रहा है, मत रोक खुला मत रोक गया, हमने शेल्टर और सब चेक किया था तब किसी ने गोली नहीं चलाई, लेकिन ये देखो ना भाई अपनी मौत को खुद ही बुला रहे हैं। हां शेल्टर के ऊपर है, हम जा रहे थे और मेरे को पता चल गया था कि भाई बंदा कहां पे होगा, ऊपर ले ऊपर ले ऊपर ले, दूसरे शेल्टर के कवर में रोक देता यही रीच, और यहाँ से स्काउट करता हूँ कि भाई बंदे कहाँ हैं क्या नहीं है, एक नॉक करके सीधा ही घुसेंगे। फिर इस बंदे को देखो भाई, ये जो सामने आया है भाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, मतलब इसको पता है कि भाई हम इस तरफ आ गए हैं, तब भी मतलब भाई ऊपर की तरफ बैठा है, मतलब भाई क्या ही बंदा था, क्या कर रहे थे भाई उधर। 1 HP है, 1 HP है, टीममेट नॉक होता है, लेकिन रुको अभी इसको तो भाई मार के गेट के खाने को रिवाइव देंगे भाई साहब। ये तो क्या ही भाई डैमेज देता है बंदा, इसको मार दिया, इसको भी मार दिया, और अब फटाफट से अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं और निकलते हैं और भी बंदों पर रश करने के लिए। अब हम यहाँ से निकल रहे थे कि मेरे टीममेट को कुछ बंदे स्पॉट होते हैं, और वो उसने एक AWM से नॉक दिया, तू जा पुश कर, और ये दूसरे बंदे को भी नॉक दे दिया, और मैं जा रहा हूँ भाई रश करने के लिए सीधा ही। अब तक ये बग्गी वाला आता है तो इसको करते डैमेज देने की, बॉडी और एक एक्सपर्ट को मार ही देता, लेकिन चलो जो भी है। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे वो दो बंदे नॉक थे, क्योंकि भाई अगर लेट की तो वो रिवाइव हो जाएगी और फिर हमारे दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए फटाफट से जाते हैं उधर। और एक बंदा इधर बॉडी गायो, और ये राइट साइड में मैंने उसको घास में लेटते हुए देख लिया, और ये बंदा भी फिनिश। तो हमेशा ही भाई ये ध्यान रखो कि भाई फाइट जब भी आप ले रहे हो तो आप कवर का यूज़ करो हमेशा। और यहाँ पे बंदों को ढूंढते ढूंढते ड्रॉप के पास आते हैं, क्योंकि भाई मेरी वेस्ट की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो अब मेरे को यहाँ से ग्रोज़ा भी मिल जाती है, मतलब ग्रोज़ा आप समझ रहे हो ना कितनी डेंजरस गन है भाई, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। तो हम बंदों को ढूंढते ढूंढते इधर आ रहे थे, और मैं टीममेट को यहाँ पर एक गाड़ी दिख जाती है, घर में गाड़ी है अटी रोक, और दोनों घरों के अंदर भाई बंदे थे। अभी ये पहले तो भाई ये नेट देखो, एक एक बंदे को नेट, 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 और अब देखो ये एक बंदा मेरे नेट से नॉक हो गया,
और अब मेरे को पता था कि भाई उसको रिवाइव कहां पे मिलेगा, तो मैं इस अरे भाई सुबह पीछे पर पीछे पर पीछे पर पीछे तब तक मेरा एक टीम पीछे पीछे सुन सुन भाई भाई बात सुन बात सुन और ये मोलोटस है पीछे पीछे दो बंदे यहां पे खत्म होते हैं और इसको रिवाइव करके अब देखो भाई इसको तो इस बंदे को तो हम ग्रेनेड से ही मारेंगे तो नेड भी मारना ये पहला ग्रेनेड डाला ये थोड़ा सा खराब गया चला गया अब देखो ये ग्रेनेड देखो भाई देख अगर भाई पसंद आया हो तो भाई जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो यार अपने भाई को सपोर्ट करो क्यों जावे और अब हम इधर से जा ही रहे थे कि भाई ये गाड़ी उठा रहे हैं तब तक अब देखो हमारे ऊपर शॉट्स आने लग जाएंगे तो भाई मैं पहले फटाफट से गाड़ी के कवर में जाता हूँ हल्का फुल्का डैमेज देने की कोशिश करता हूँ और मेरा टीम चाल अब भाई यहाँ पर आगे होने वाला है स्कैम अब मैं इसमें बैठता हूँ मैं देखता ही नहीं हूँ कि इसमें फ्यूल है नहीं है भाई मेरा टीममेट चला जाता आ गया अकेला कतई मतलब ओपन में भाई फुल चौड़ में और इसका देखना उसको क्या मिलता है भाई बहुत खतरनाक गिफ्ट मिलेगा देखना भाई अब ये थोड़ा सा सस्ता है क्या जो लगा कि मैं जा रहा हूँ अपने बंदे के पास में फटाफट से इसने यहाँ पर दो बंदों को नॉक कर दिया और अब देखो भाई इसके साथ क्या होता है ये नॉक और अब ये फिनिश इसलिए भाई कभी भी आप डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलते हो या सोलो वर्सेस स्क्वाड हमेशा भाई एक प्रॉपर कवर आपके पास होना चाहिए या बैक फायर आपके पास में जरूर होना चाहिए नेड करता है तभी आप कर सकते हो और यहां पे आके मैं एक नेड मारता हूं एक और नेड करता हूं और देखो सुसो देखो रीसेट करते हैं वो देखो रियो और इससे एक बंदा नॉक होगा और एक फिनिश हो जाएगा और कर यहां पे 17 किल तो हो चुके हैं भाई और अब मैं आगे जाता हूँ मेरे को लगा कि भाई उसी पेड़ के पीछे ही बंदा होगा लेकिन देखो भाई क्या ही कैंपर था नहीं नहीं हिल कर पहली ये देखो भाई पहली हिल कर और तो इसी ब्रो के साथ में ये गेम प्ले होता है खत्म तो यार यहाँ पर इतना बढ़िया खेलने के बाद में 31 किल निकालने के बाद में डुओ के ये देख लो हमारे डुओ के 31 किल हैं उसके बाद में भी हमको चिकन डिनर नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्योंकि हमारी गलती थी एक तो वो वहाँ पे अकेला चला गया और फिर मैंने भी उस बंदे को थोड़ा फिनिश करने में लग गया अगर वो मैं नहीं करता तो हम लोग वहाँ पे जीत जाते ये मैच आराम से तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़